गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस होममेड एम्पलीफायर और कुछ स्पीकर्स के बारे में। तो मैं आज बताने वाला हूँ इस है होममेड एम्पलीफायर को मैंने कैसे बनाया, कहाँ से मंगाया, इसके पार्ट्स और वीडियो बन रही है, देखते हैं वीडियो में। और हाँ, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, वीडियो को चलते हैं। मेरा कुछ एम्पलीफायर और सबवूफर्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस एम्पलीफायर की आउटपुट की। तो इसकी आउटपुट है 600 प्लस 25 प्लस 25 वाट आउटपुट है इसकी, और 600 वाट से ये दो सबवूफर चलाता हूँ और 25 25 इन दोनों चारों को चलाता हूँ। देख सकते हो आप लोग, ये है के अंदर सेट, देख लेते हैं इसका क्या कैसा है। तो ये मैंने बोर्ड मंगाया था एम्पलीफायर का 600 वाट का, ये जो बड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये मैंने इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो से मंगाया था, यूट्यूब पे एक चैनल आप सर्च करके देख सकते हो, उनसे मंगाया था। और ये ट्रांसफार्मर भी उनसे ही मंगाया था, और बेस टेबल का बोर्ड मंगाया था वो ख़राब हो चुका है मेरा, तो मैंने ये 2.1 मंगाया था अमेजोन से, तो वही लगा दिया मैंने। ये इसका भी अच्छा खासा साउंड आता है, और देख सकते हो यहाँ पे एक 44-40 का बोर्ड लगा हुआ है जो कि 25-25 वाट चारों को चलाता है। और इसके लिए इनपुट देने के लिए ये ऐसी ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा मेरे को। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी तो भाई माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि मैं घर में शूट कर रहा हूँ तो आवाज़ें आ रही रहती है बच्चों की और सबकी। तो ये है, बात कर लेते हैं अपने सबवूफर के बारे में। तो ये दो सबवूफर है मेरे पास 12 इंचज़ के, और ये है रेवेल ऑडियो के 400 वाट के स्पीकर, डुअल वॉइस कॉइल, और 1200 वाट इस पर लिखा हुआ है। और इनका भाई जो बेस है ना भाई, इतना तगड़ा बेस है, मज़े आया था भाई ये। और ये है कुछ एम्पलीफायर, और इसकी अब साउंड टेस्ट करा देता हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं, प्लग ऑन करते हैं, यहाँ से प्लग ऑन कर दिया है, और देखिए यहाँ पे रिले की आवाज़ आई। अब ये एफएम पे चल रहा है तो ये नॉइज़ करने लगा।